यहाँ पे कभी भी बाघ निकल जाता बहुत ही वाह। ये मतलब पास एक पारस वाला पत्थर था जो कि वो लिखा के ट्रिप तो चटपटा हो गया, मजा आ गया। यहाँ पे तो ड्रीम था ना मेरा। और यहाँ पे हवा आ रहा है बहुत ज्यादा, महल राजा का। तो दोस्तों स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं रायसेन फोर्ट, जो कि आज से लगभग 800 साल पुराना है वो, और मैं वहाँ पर जाता हूँ और उसको सब कुछ बताता हूँ आप लोग को। और मतलब वहाँ की जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैं जैसे जैसे वहाँ पे जाऊँगा जो जो कुछ दिखेगा वो सब मैं बताऊँगा आप लोग को, तो बने रहिए। और तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जाने वाले हैं लोग आज रायसेन, जो कि 800 साल पुराना किला है। तो हम जाएंगे यहाँ से जो मध्य प्रदेश के लोकल बसें हैं उससे हम लोग जाएंगे लोग, और हम लोग गाड़ी से भी हम जा सकते थे लोग, बट रास्ते में थोड़ी बहुत चेकिंग होती है तो रिस्क नहीं लेना है, और ड्राइविंग लाइसेंस वैसे है नहीं, तो बस से ही मतलब जाना चीप एंड बेस्ट है। घर कहाँ है आपका? इधर ही है। इधर जंगल में? अच्छा भैया राजश्री खाते हो? कौन खाता है भाई राजश्री? राजश्री तो नहीं खाते हैं। क्यों? राजश्री नहीं, ड्रग्स मतलब लेते हैं लोग ये लोग। चलो लोगे तुम? हाँ दे दो। हाँ ड्रग्स लोगे? सो जाओगे तुम, ड्रग्स हो जाओगे इधर ही।
दारू पीते हो? पियोगे क्या? तो बोलो, दारू पीते हो क्या? हाँ। अरे यार, कौन सा दारू, देसी या विदेशी? देसी। और मतलब मिल गया, ये बिहार का सुबोधवा है। और ये देख सकते हैं, ये रायसेन फोर्ट है। मतलब देखने में लग रहा है कि बहुत पास ही में है, बट बहुत ज्यादा दूर है। और ये हैं हमारे भाई, सीओम भाई हैं, मतलब यहाँ के हैं, ये लोकल ही हैं। और हम लोग की बहुत हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और हम लोग जो पानी का मतलब बोतल वो ढो भी रहे हैं, मतलब बहुत ही हेल्पफुल इंसान है। इनको कुछ मतलब दिया जाएगा इधर, मतलब जंगल में अकेले में। ये देखिए, मतलब बहुत ही अच्छे मतलब भाई हैं। हम भी घर जाना है बाबू के, आपको इधर से नहीं है घर आपका? कहाँ से घर है? 3 बजे जाएंगे। 3 बजे? अच्छा, ठीक है, चलो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बाघ विचरण क्षेत्र, कृपया सावधानी बरते हैं। तो जहाँ पे कभी भी बाघ निकल जाता है, बहुत ही खतरनाक जगह है। अच्छा, हमें सतर्क रहना है। और यहाँ पे जो ये पार्किंग है, ये बिल्कुल फ्री है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दादी कुछ हेल्प के लिए बोल रही है। रखवा दीजिए मुझे भाई। वाह, क्या हेल्प का काम हो रहा है। ये टूरिस्ट हैं और वहाँ पे वो टूरिस्ट गाइड हैं, आ रहे हैं बीड़ी पीते हुए। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं थोड़ा ऊपर, और उसके बाद वो लोग का भी चल रहा है फोटो शूट। तब तक मैं यहाँ के हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ आप लोग को। तो उसके बाद ये जो है, ये किले की स्थापना हुई थी 11वीं शताब्दी में, मतलब लगभग आज से 800 साल पहले। और इस किले का खास बात ये है कि यहाँ का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो मतलब बहुत ही तगड़ा था। और इसी कारण, और डिफेंसिव सिस्टम तगड़ा होने के कारण ही यहाँ पे मतलब बहुत सारे जो राजा थे, मतलब यहाँ पे इस किले को हड़पाना चाहते थे, क्योंकि इस किले का जो मतलब लोकेशन है, यहाँ पे 1543 के मतलब लपेट में जो शेरशाह सूरी थे, वो यहाँ के राजा के मतलब उस टाइम राजा थे रूप नमल, ठीक है। तो उसके बाद इस जगह को वो धोखे से हड़पा लिए थे, और उसके बाद जैसे इस मतलब किले को मतलब चारों तरफ से घेर लिए थे, उस टाइम वहाँ के जो राजा थे वो अपनी रानी का खुद से उनका गला सर से मतलब धर से अलग कर दिए थे, ताकि उनकी जो रानी है वो शेरशाह सूरी मतलब दुश्मन के कब्जे में वो ना आ पाए। इसी यहाँ पे दिख गया है इमली, जो कि यहाँ पे तोड़ने की कोशिश हो रहा है। और यहाँ पे टूर गया बाढ़ में, पहले हम लोग खाएंगे लोग इमली। इमली खा के ट्रिप तो चटपटा हो गया, मजा आ गया। और ये गेट पे आते ही ये के राजा जी का, ये मतलब 19-20 का फर्क है इसमें। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों। और ये देख सकते हो, ये क्या प्यारा लोकेशन आ रहा है इधर से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में रायसेन के बारे में, रायसेन का किला। और यहाँ पे डस्टबिन है, ताकि और लोग गंदगी ना फैलाए इनके जैसा। ये खा कर रहे हैं, फेंक देते हैं कहीं भी। आओ बेटा, क्या करो। और ये जा रहे हैं हम लोग इधर, बैग में सिलेंडर लिए हुए हैं। बैग कहाँ है? लिए हैं हम, बॉटल में पानी। और ये देखिए यहाँ से लोकेशन, मैं दिखाता हूँ इधर से आप। ये देखिए भाई,
क्या क्या लोकेशन है भाई, यहाँ पे तो ड्रीम था ना मेरा। और यहाँ पे एक बहुत ही गहरा और चौड़ा तालाब है जो कि मतलब यहाँ के बारे में मतलब रहस्यमय है कि मतलब राजा जो थे वो उनके पास एक पारस मतलब पत्थर था जो कि वो कोई ना कोई तालाब में मतलब फेंके थे, और उसके बाद उसकी खोज जो है आज तक जारी है। वो मतलब वहाँ से जाने का रास्ता है लेकिन बंद है वो सीढ़ी। और इसमें कुछ मतलब ठीक नहीं है कि पारस पत्थर इसमें ही मतलब फेंका गया है या फिर मतलब बहुत सारा, क्योंकि यहाँ पे 40 से ज़्यादा तालाब है। ये देख सकते हैं लोग आप, ये बहुत ही मतलब गहरा है। और पारस मतलब पत्थर मतलब ऐसा था कि जो कि मतलब लोहा को मतलब पिघला कर सोना में कन्वर्ट कर देता था। ये रहा आपका गेट। और ये रहा ये यहाँ से गेट, और अभी ये कंट्रोल है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे एक गार्ड साहब है। और ये रानी का चक्की है, और इधर से हम लोग जाते हैं लोग इस मतलब किले की एक खास बात है कि यहाँ पे एक मतलब मस्जिद है और उसके बाद उस साइड एक शिव मंदिर है, मतलब एक ही किले में दो धर्म के, जहाँ पे तोप। और यहाँ पे ये पूरा ओरिजिनल तोप है, देख सकते हैं लोग, देखिए ये। और लगभग यहाँ पे 6 तोप है, और उसके बाद 6 का जो साइज है वो पूरा मतलब अलग अलग है, मतलब अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता होगा इसे। ये देख सकते हो पूरा बहुत ही मजबूत लोहे का है, इसके अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा। ये देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा वाला तो ये वाला है, तो शायद इसका और भी मतलब आगे का पार्ट होगा जो कि टूट चुका है, तो उसके बाद इतना ही रखा गया अभी तो। ये कितना खतरनाक तोप है इधर। ये जो राजा का जो सिस्टम था मतलब डिफेंस वाला, ये बहुत ही तगड़ा था, इसीलिए इस जगह को, इस मतलब किले को हड़पाने की बहुत कोशिश की गई। और उसके बाद बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे राज भी किया, जैसा कि इस मतलब किले को मतलब बनवाने वाले राजपूत थे। उसके बाद कई सारे मतलब सुल्तान मतलब मुग़ल अंपायर के मतलब बहुत सारे राजा आए यहाँ पे राज किए हैं, और उसका फिर उन पे मतलब दूसरे राजा अटैक करके और उसके बाद ये किला हड़पा लेते थे, मतलब अपने कब्जे में कर लेते थे। और उसके बाद अभी जो क्या है, मतलब बहुत मतलब कम ही ऐसे देश है इस दुनिया में जहाँ पे राजतंत्र है, तो इसीलिए ये जो मतलब बिल्डिंग है, ये जो किला है, वो एक अब सरकार के मतलब संरक्षण में है। और जहाँ पे जो है ये एंट्री फीस मतलब फ्री है। और इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मुग़ल अंपायर मतलब रहे होंगे, तो उसके बाद वो इस जगह को मतलब बनवाए होंगे, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल मतलब मुस्लिम अंपायर की तरह मतलब लगते हैं। देखिए दरगाह, शेख सलाहुद्दीन की दरगाह, स्मारक की सुरक्षा दृष्टि के ध्यान में रखते हुए स्थानों पर। और ये दरगाह है उनका, ये देखिए शेख सलाहुद्दीन का, देख सकते हैं लोग ये। और यहाँ से जो जाना है मतलब माना है, ये मस्जिद लग रहा है, ये मस्जिद है, वो खुतबा देने का मतलब जगह है उधर, खुतबा देने का, फिर वहाँ पे नमाज पढ़ने का। और वहाँ अरबी में कुछ लिखा है, जूम करके मैं दिखाता हूँ आप लोग, वो देख सकते हैं अरबी में कुछ लिखा है, बट मतलब जस्ट पीछे मतलब मस्जिद है जो कि मैं दिखाया हूँ अभी आप लोगों को। और उसके बाद ये जो है मतलब बहुत ही मतलब शांति वाली जगह, अगर भोपाल से आप थोड़ा बहुत शांति चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आइए, और उसके बाद बहुत ही सुकून है। और ये सुबह मतलब सनराइज से सनसेट तक मतलब खुल जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं। और एंट्री फीस तो मतलब फ्री यहाँ पे है ही, तो उसके बाद फिर कुछ बात की मतलब दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो इसकी पार्किंग थोड़ी मतलब नीचे ही है, और अगर पैदल आ रहे हैं तो उसके बाद कोई भी अगर लोकल से आप पूछते हैं तो उसके बाद वो आपको शॉर्टकट मतलब बता देगा, तो उसके बाद जल्दी मतलब आ सकते हैं आप बिल्कुल। और भी कुछ है मतलब बहुत सारा इंटरेस्टिंग, जैसे पारस का मतलब पत्थर यहाँ पे था और भी था। और फिर मतलब यहाँ के जो मतलब राजा थे, जब शेरशाह सूरी ने इस मतलब इतने ऊंचे किले को जब घेर लिया था चारों साइड से, तो उस टाइम के जो मतलब राजा थे पूर नमल मतलब नाम था उनका, तो उसके बाद वो अपने दुश्मन से मतलब बचाने के लिए अपने रानी को मतलब सर
तन से अलग कर दिए थे कि रानी दुश्मन के कब्जे में मतलब आए ना इसीलिए। और यहाँ का जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री मतलब रहा है, जिससे मतलब बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मतलब मिलता है। का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करे, जाना तो पड़ेगा ना। तो दोस्तों हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा घूम चुके हैं लोग, और उसके बाद अभी जो राजा का मतलब मेन महल है वो घूमने वाले हैं लोग, तो वो तो मतलब और ही ज़बरदस्त है, तो उसके बाद वो जाकर मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए यहाँ पर रात में तो और ख़तरनाक डर लगता होगा, ये देख सकते हैं कितना। और वहीं पे हम लोग गए थे, जस्ट आए हैं लोग अभी। और ये देखिए ये इसका मेन, ये कितना ख़तरनाक है। और इस पर चलते हुए चलिए ना पत्थर पे, ये बाप रे बहुत नीचे है भाई। ये देखिए ये रहा मेन महल राजा का, ये नहाने का है कुछ होगा उस टाइम का। ज़्यादातर खंडहर ही मतलब हो चुका है, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत मतलब बचा है उसको रिपेयर किया जा रहा है मतलब जहाँ तक हो सकता है। और यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और वो देखिए उधर से वो हाईवे है जो कि सांची जाता है, अंदर ये कंस्ट्रक्शन के लिए छोड़ा गया है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। और कुछ अलग जगह मतलब जाएंगे घूमेंगे, तो उसके बाद वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को।